बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में आप सीखेंगे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम। यह हम सभी जीवधारियों में मिलता है, चाहे वह प्लांट्स होते हैं या चाहे एनिमल होते हैं, सभी के पास पाचन क्रियाएं होती हैं। लेकिन पाचन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं, हमारा एक टॉपिक है पोषण। पोषण को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन जो होता है, किसी भी जीवधारी द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना न्यूट्रिशन कहलाता है। जब भी कोई जीवधारी अपना भोजन लेता है, वह चाहे कोई जंतु हो या चाहे किसी कार्बनिक भोज्य पदार्थ होगा या चाहे किसी न किसी माध्यम से अगर अपना वह भोजन ले रहा है, कोई भी पदार्थ ग्रहण कर रहा है, तो उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक, पोषण अर्थात भोजन का अंतर ग्रहण करना, इन टेकिंग ऑफ फूड क्या होता है, इन टेकिंग ऑफ फूड कॉल्ड न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रकार। जो पोषण होता है, पोषण मुख्यतः दो टाइप का होता है। पहला तो होता है स्वपोषी, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, अर्थात स्वपोषण कहलाता है। और जो क्रिया विधि होती है उसे स्वपोषण कहते हैं, और जो जीवधारी होते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे जो हैं ये स्वपोषी होते हैं। इनमें पोषण जो है स्वयं से हो जाता है, अर्थात स्वयं से होता कैसे है, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल H2O लेते हैं, और अल्टीमेटली सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पौधों के पास होता है क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक, जिसके माध्यम से जहां पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर इसमें लगे हुए ग्रेना और स्ट्रोमा में जो भी प्रकाश ग्राही केन होते हैं वह एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर यहां पर वायुमंडल से आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड और जल के जुड़ने से बनाते हैं अपना भोज्य पदार्थ C6H12O6। ठीक, और इसके साथ साथ में यहाँ पर 6O2 भी अर्थात ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इसे कहेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है यही निर्मित भोज्य पदार्थ होता है, लेकिन जो पौधों की कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ होता है वह होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च यानी कि मंड कहते हैं इसे। तो यह जो भोज्य पदार्थ होता है पौधों की कोशिकाओं में संचित होता है, सबसे पहले बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन जब स्टार्च के रूप में यहाँ पे जमा होता है, अर्थात ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो तब जाकर के स्टार्च निर्माण होता है। और जितने पौधे हैं
सभी हरे पौधे इस विधि के माध्यम से अपना पोषण करते हैं और प्रकाश की क्रिया भी करते हैं, इसलिए से जो क्रिया विधि है इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। तथा जो यह क्रिया विधि करने वाले पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी पौधे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका टॉपिक कैसे आएगा। प्रकार में परपोषी या परपोषण, परपोषण ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन, दूसरा है टॉपिक हमारा परपोषण यानी कि परपोषी होंगे जो जीव होंगे, भोजन ग्रहण की वह विधि जिसमें वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ नहीं है उसे परपोषण कहते हैं। अर्थात तो वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ नहीं है किंतु किसी दूसरे पौधे अथवा जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं परपोषी, और जिस विध के द्वारा वह भोजन ग्रहण कर रहा है उसे प्रक्रिया को कहते हैं परपोषण। ठीक है ना, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। यहां पर जब कहा गया है दूसरे जीवों पर, हो सकता है जब जीव होंगे में भी हो सकता है पौधे हो सकते हैं, ठीक है, अथवा कोई अन्य जंतु हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इस बेस पर अगर पौधे हैं जंतु हैं तो इन बेस पर के जो परपोषी होते हैं, परपोषी जंतुओं को हम बांटते हैं कई कैटेगरी में, इनकी कई कैटेगरी होती है, इनकी कई और प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला हमारा हो जाएगा शाकाहारी जीव, ऐसे जीव जंतु जो केवल पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? पौधों से, प्लांट से, जिनका भोज पदार्थ केवल प्लांट रूप में होता है तो उन्हें कहते हैं हम शाकाहारी जीव। दूसरा इसमें आ जाएगा मांसाहारी जीव, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, किसी अन्य जंतु से प्राप्त करते हैं उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कोई ना कोई जंतु आएगा इनके भोजन के रूप में तो मांसाहारी होते हैं। तीसरा है सर्वाहारी जीव, सर्वाहारी जीव ये क्या होते हैं भाई? ऐसे जंतु होंगे जो जंतु को भी खाएंगे एवं मौका पाने पर पौधों को भी खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं एवं जंतु को भी खाते हैं तो उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। ठीक, अगर इसे के विस्तार देखा जाएगा तो कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो कि जिनमें मृतोपजीवी मिलता है, मृतोपजीवी ऐसे जीवधारी होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी जीव कहते हैं। जैसे आपका इसमें आ जाएगा, जैसे दिखा देंगे कवक, कवक में
मोस्टली कुकुर मुत्ता अगर का शब्द कहते हैं, मशरूम, ठीक है ना, मशरूम जो होती है इसको हम लोग खाते भी हैं, अपने भोजन रूप में इस्तेमाल करते हैं। मशरूम एक टाइप की एडिबल फंजाई होती है। नेक्स्ट रहता है परजीवी। परजीवी जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो किसी अन्य जंतु के शरीर के अंदर रहते हैं अथवा शरीर के बाहर रहते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है ना, शरीर के बाहर अथवा अंदर रहते हैं और उन्हीं से अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं, पोषण भी लेते ही रहते हैं, तो ऐसे जंतु कहते हैं हम परजीवी जंतु, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे के लिए, यहाँ पर बाघ है परजीवी में, बाघ है परजीवी के रूप में आप दिखा सकते हैं, जोंक है और जू जो कि आपके सिर में रहती है, बालन लगी होती चिपकी रहती है, जू है एंड सो ऑन। अंतः परजीवी की अगर बात करेंगे हम, अंतः परजीवी के रूप में आपके शरीर के अंदर रहता है फीता क्रीमी टेप वर्म, एक टाइप का छोटा सा एलिमेंट होता है। और इसके अलावा एस्केरिस, जो ये सब जंतु होते हैं अंतः परजीवी होते हैं और आपके अमाशय से आगे छोटी आंत या बड़ी आंत के आसपास में चिपके होते हैं और उन्हीं से अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं। और यहाँ तक कि जो अंतः परजीवी जंतु होते हैं वह हमें नुकसान भी पहुंचाते रहते हैं। अगर हम देखते हैं इसी में और भी है, सपोज कीजिए कोई पौधा है तो वह काम करता है कीट भच्छी का। तो कीट भच्छी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीवधारी कीट भच्छी जीव या पौधे इसमें आते हैं, चीज तो जानने से पहले हम, ऐसे पौधे जो अपना पोषण कीटों को पकड़ेंगे और उनका डाइजेशन कर देते हैं, कीटों को खाते हैं। इसमें एग्जांपल आपका है नेपेन थीज, ड्रोसेरा, ऐसे जीव हैं जो कि अपने समीप आए हुए कीटों को पकड़ कर खा लेते हैं और उनका पाचन करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात इसमें है, जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन विहीन मृदा में होते हैं, अर्थात ये सिर्फ नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। बस बच्चों, आज के लिए हमारा इस टॉपिक में इतना ही रहेगा, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।